अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेटअप पे रानीखेत का वायरस आया था, जो दोस्तों हमारे सारे बर्ड्स अपने साथ सिमट के ले गया है। तो दोस्तों, हमारे जो बर्ड्स थे ना दोस्तों, वो सारे के सारे मर चुके हैं और दोस्तों कुछ परिंदे बचे हैं, वो भी दोस्तों अभी कुछ बेहतर हैं, उम्मीद तो है वो ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप दोस्तों को दिखाया था हमारे जो बर्ड्स थे ना दोस्तों, जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों, वो भी दोस्तों जान की बाजी हार चुके हैं। वो भी दोस्तों मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं सेटअप पे आया था और मैं ना अपने सेटअप के लिए ना चूना वगैरह लेकर आया था। दोस्तों आपको पता ही है, जब सेटअप पे वायरस वगैरह आ जाए ना, तो दोस्तों या तो उसको डिटॉल के साथ अच्छे तरीके से धोते हैं, और ज़्यादातर फार्मर हज़रात क्या करते हैं जी, वो चूना लेकर आते हैं दोस्तों, वो अपने सेटअप पे चूने का छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा सेटअप है बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कुछ परिंदे ठीक हैं। जो बड़े बड़े परिंदे थे दोस्तों, वो तो अभी कुछ ठीक हैं। और दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे अपने परिंदों को डाइट वगैरह देनी होती है, और जो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उनको भी वायरस लगे वो वाला। तो दोस्तों, हमने आज चूने का छिड़काव करना है, और जो परिंदे हमारे एक्सपायर हो गए हैं वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। जो हमारे जो परिंदे बचे हैं दोस्तों, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रात के टाइम मैंने ना इनको लैदा केज के अंदर बंद कर दिया था। ये वाले दोस्तों हमारा जो बिग केज है ना, बड़ा केज दोस्तों, इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा जो भी इन्होंने खाया वगैरह होगा ना, वो हज़म कर लेंगे। और दोस्तों, ये सारा का सारा सेटअप जो है दोस्तों हमारा आज खाली हो चुका है, और हमारे जो सारे बर्ड्स थे ना दोस्तों, वो सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं। कुछ बचे हैं दोस्तों, अभी उनको बचा लें तो क्या बात है। मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अल्लाह के हाथ में है बाकी। ये हमारे बिग केज के परिंदे हैं, जो सारे के सारे दोस्तों मर चुके हैं। इसमें चिक्स वगैरह भी हैं, जो मैंने कल की वीडियो में आप दोस्तों को दिखाया था, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था। और दोस्तों, ये देखें, ये वाले दोस्तों कुछ ठीक हैं, और ये एक पट्टी है इसके साथ वाली, इसका भी नहीं पता ये बचेगी कि नहीं बचेगी। ये वाला दोस्तों का पट्टा है दोस्तों, ये कुछ बेहतर हो गया है दोस्तों, उम्मीद तो है ये अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, खैर हमारे जो सेटअप है दोस्तों, इसकी सारी की सफाई करने वाली है। और ये दोस्तों मैं चूना लेकर आया था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया था अपने सेटअप पे। तो जो हमारे जो बर्ड्स बचे हैं ना दोस्तों, कुछ ये हैं, और ये एक पट्टी यहाँ पे बैठी हुई है जी नीचे। ये दूसरे वाले इसको सर दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इसको मार रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। और दोस्तों, ये वाली पट्टी है जी, ये वाला दोस्तों हमारा जो पट्टा है, ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ना अभी कमज़ोर है। तो दोस्तों, इसका पोर्ट नहीं चल रहा था, और रात को दोस्तों मैंने इसके ऊपर मेहनत की थी, और माशाल्लाह इसका पोर्ट चल पड़ा है। और इसका जो ताज है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा काला हो गया था, और अभी देखें ये पिंक पिंक सा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये कुछ बेहतर हो गया, इंशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो दोस्तों, कुछ परिंदे हमारे ये वाले हैं, ये दोस्तों कुड्डू के भाई हैं, ये देखें दोस्तों, इनको भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये भी कुछ बेहतर है, उम्मीद तो है ये भी ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और दोस्तों, जो हमारे जो बड़े परिंदे हैं ना, इसको तो दोस्तों मैंने ऐसे बिल्कुल टाँग के रखा हुआ था। अभी ये चादर देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रही है, ये अभी थोड़ी साइड पर हो गई है। इनको सुबह के टाइम मैंने दाना वगैरह कराया था, और मैं चला गया था काम पर। तो दोस्तों, अभी ये हिलते जुलते रहते हैं, उसकी वजह से दोस्तों ये नीचे आपको आ गई है। तो दोस्तों, ये हमारे बड़े वाले परिंदे हैं। तो दोस्तों, इनकी जो है ना, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी हमने बचाव करना है दोस्तों इनका। तो दोस्तों, अभी इनको हमने डाइट वगैरह भी देनी होती है ना, तो हमने यहाँ पे रख के इनको डाइट वगैरह देनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरस है, और अभी हम इनकी सब की ना यहाँ पे छिड़काव करते हैं जी चूने का। तो पहले हम क्या करते हैं जी, हम ये वाले जो हमारे जो बर्ड्स एक्सपायर हुए हैं, वो सब हम इसके अंदर डाल लेते हैं, ताकि दोस्तों यहाँ से जो जगह है ना, यहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से ना चूने का छिड़काव कर ले। और जो साथ वाले परिंदे हैं, इसको उठा के हम अपने बिग केज के अंदर बंद कर देते हैं जी। अब इनको पकड़ के हम अपने बिग केज के अंदर बंद कर देते हैं।
दोस्तों हमने इनको बंद कर लिया है। अब दोस्तों ग्लव्स वगैरह हम लगा लेते हैं, मुंह पे मास्क लगा लेते हैं। तो दोस्तों ग्लव्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और दोस्तों ये जो हमारे जो बर्ड्स एक्सपायर हुए हैं ना, इसको हम उठा के बाहर डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसको दफनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं, ताकि दोस्तों हमारे जो जो हमने जो चूने का छिड़काव करना है दोस्तों, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों इसको पकड़ के हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इनको मैंने बाहर छोड़ दिया, और यहाँ पे दोस्तों हम अब चूने का छिड़काव कर लेते हैं। सारे सेटअप पे मैंने अपने चूने का छिड़काव कर दिया अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज हमने ये कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए किया है कि है ना, हमारे जो सेटअप के दोस्तों जो भी जरासीम वगैरह है ना, हमारे जो बर्ड्स हैं ना दोस्तों, वो इसी जगह पे दोस्तों डाइट वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि उसके ना उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बीमारी वाले जम्स लगें दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और दोस्तों इसको मैं कल के टाइम दोस्तों इसको सार को क्लीन करूँगा अपने इस सेटअप को। दोस्तों ये बिग केज भी मैंने सारा क्लीन करना है, और ये नीचे वाले दोस्तों जो केज है ना, इसकी सब की सफाई करनी है, और इसके अंदर भी मैंने दोस्तों चूने का छिड़काव करना है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं दोस्तों ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह कल की वीडियो में दोस्तों ये सारा कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।